करने वाले 15x30 हाउस प्लान की, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे 15x30 फिट में। बहुत ही स्मॉल हाउस प्लान है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्लान आपका डिस्कस करने वाला हूँ 15x30 फिट में। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर एक हमें एक छोटा सा घर 15x30 फिट में बनाकर दीजिए, इसमें एक बेहतरीन सा एलिवेशन हो, बेहतरीन सा डिजाइनिंग हो। उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है, आपको ये पूरा मॉडल मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर तरीके से। इसका साइज 15x30, 15 फिट आपका चौड़ाई है, 30 फिट का आपका लंबाई है, 3 साइड क्लोज है, मतलब तीनों साइड से आपके घर बने हुए हैं, सिर्फ फ्रंट से ही आपका ओपन है। तो इस मॉडल में मैंने बेहतरीन से डिजाइनिंग करके आपको दी है। तो बने हम लगातार, मैं ऊपर छागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों जब भी आप वीडियो हमारा देख रहे होंगे, नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें, साथ साथ बेल आइकन आएगा उस पर भी दबा दें, इससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें और आराम से आप उन्हें देख सकें। तो आज का जो प्लान है आपका, मैं 15x30 का उसे डिस्कस करता हूँ। तो फ्रंट एलिवेशन आपका ये है, सामने से रोड है, ये मेन डोर है, ये विंडो है। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है जिसमें मेन डोर है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और ये आपका देखिए विंडो है। ये आगे का थोड़ा सा एरिया मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, इसमें फूल वगैरह लगा दिया है। तो आप जैसे मेन डोर से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखिएगा एक गैलरी मिलती है, उसी गैलरी में आपकी स्टेयर्स हैं। आप इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर आ जाते हैं इधर को, तो ये आपके गैलरी में ही मैंने स्टेयर्स दिया है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 6 फिट जगह है अप्रॉक्स में, तो 2.5 फिट का मैंने चौड़ाई का, 2.5 फिट चौड़ाई का मात्र यहाँ पर स्टेयर्स दिया है, जिसमें आपका निकलने के लिए जगह प्रॉपर बची रहे। इसके बाद ये गेस्ट रूम है, इस गेस्ट रूम में देखिए मैंने विंडो बाहर से जो दिया था। इसके बाद इस वाले बेडरूम से आप अंदर एंट्री जैसे करते हैं, तो अब आप इस गेस्ट रूम में जाना चाहते हैं तो ये मैंने देखिए डोर दिया है गेस्ट रूम में जाने के लिए। और इसके बाद फ्रंट में आपका एक ये बेडरूम और आपको देखने मिलता है इस कॉर्नर पर, देखिए मैंने यहाँ पर डोर और विंडो दिया है। और सबसे इस कॉर्नर पर मैंने वेंटिलेशन दिया है, जाल आप लगवा सकते हैं। इस जाल से आपका ये किचन, ये कने यहाँ पर मैंने किचन क्रिएट किया है, इस किचन का भी वेंटिलेशन होता रहेगा, इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा। और ये वॉशिंग एरिया मैंने यहाँ पर बना दिया है, बेसिन वगैरह लगा दिया है। और ये आपका लेटेंट बाथ है, यहाँ पर आप अपना वॉश वगैरह कर सकते हैं। ये लेटेंट बाथ मैंने क्रिएट किया, ये बेडरूम है, ये आपका स्टेयर्स और बेहतरीन सा ये आपका थोड़ा सा एरिया बच से जाता है, जिसे आप एज अ लॉन या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेडरूम है, तो इस मकान की अगर बात करें तो 2 बेडरूम के साथ साथ आपका किचन, ये वेंटिलेटर और ये आपकी बात करें लेटेंट बाथ, ये वॉशिंग एरिया, ये आपका पूरा एरिया जो ओपन में हो छूट जाता है, ये आपका गेस्ट रूम, ये आपकी स्टेयर्स के नीचे आपके बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा चीज़ें पार्क नहीं हो पाएगी क्योंकि जगह आपकी कम है। फ्रंट एलिवेशन आपका ये नॉर्मल सा एक बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है 15x30 में का ग्राउंड फ्लोर। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों जैसे आते हैं स्टेयर्स के माध्यम से, आप देखिएगा ये मैंने सारा प्लान वही रखा है, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। जो कॉर्नर वाला बेडरूम है, किचन, वेंटिलेटर, वॉशिंग एरिया, लेटन बाथ विद, बस थोड़ा सा आपका चेंज ये हो गया है। स्टेयर्स के आगे मैंने वही 3 फिट का लगभग छज्जा निकाल दिया है और एक बालकनी बना दी। इस बालकनी में जाने के लिए मैंने जो डोर दिया है वो स्टेयर्स के आगे से दिया है, आप आसानी से इस बालकनी में जा सकते हैं। और इस बेडरूम का जो कलर था वो मैंने चेंज कर दिया गेस्ट रूम का, बाद बाकी सारा डिटेल वही आपका बना रहता है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, फर्स्ट फ्लोर की बात सॉरी, और फर्स्ट फ्लोर पर ये चीज़ें मैंने क्रिएट की। लास्ट फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, बाद बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया है। तो प्रॉपर तरीके से ये मॉडल आपका बनकर रेडी हो जाता है। वहीं अगर बात करें छत की तो ये मैंने यहाँ पर छत भी बना दी है। तो ये बेहतरीन सा मॉडल 15x30 फिट के स्मॉल हाउस प्लान है। दोस्तों अगर आप इसका कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर स्मॉल हाउस प्लान नाम का एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मटेरियल कॉस्ट वगैरह सब कुछ बताई जाती है, आप उसे डाउनलोड करके अपना कॉस्ट वगैरह भी पता कर सकते हैं। तो मॉडल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर